हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल की फिफ्थ एक्सरसाइज का टॉपिक, जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, हम एट्थ क्लास तक ऑलरेडी चार आइडेंटिटीज पर काम कर चुके हैं। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज पर काम करेंगे। ओके, अब मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था कि ये जो पॉलीनोमियल चैप्टर ही मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So, इस वीडियो से अंत तक बने रहें इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो देखकर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। सो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, एक्चुअल में अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? अल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। जैसे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं जो हम ऑलरेडी एट्थ क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, जैसे कि ये रहा x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, अलजेब्रिक इक्वेशन ही है। इनको आइडेंटिटीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनके रिप्लेसमेंट में आप कोई भी वैल्यू रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, हमेशा रिजल्ट जो होगा वो इक्वल आएगा। इसी वजह से इनको आइडेंटिटी बोला जाता है। आइडेंटिटी यानी कि इनका जो रिजल्ट है वो सेम बना रहे। ठीक है, ये तो हो गया कि हम इनको अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं। ओके, जो स्टार्टिंग की चार जो आइडेंटिटीज हैं वो हमारी बिल्कुल सेम एट्थ क्लास वाली ही हैं। इनको मैं यहां नोट कर देता हूं और यहां इनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि क्यों ये आपस में इक्वल है। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बनी कैसे है? अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ओपन करके देखिए। द स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई ब्रैकेट अनदर एक्स वाई प्लस वाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर y को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इसी तरह से एक सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, है ना। अब उसको प्रूव करने के लिए या तो आप ये कर सकते हैं कि जो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें आप क्या करिए कि वाई के रिप्लेसमेंट में माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ वाई के रिप्लेसमेंट में माइनस वाई, यहां पर भी माइनस वाई स्क्वायर। तो जहां जहां वाई था उसकी जगह हमने माइनस वाई कर दिया है, तो इसको क्या इफेक्ट देता है ये देखते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस टू एक्स वाई, और ये देखिए माइनस की पावर इवन पॉजिटिव, ये क्या बचा वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास बन गई। अगर आप इसको इसी की तरह ओपन करके दिखाना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई के स्क्वायर को एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई, और फिर से ब्रैकेट ओपनिंग का काम कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरह से भी मिल जाएगी आइडेंटिटी। ठीक है, फिर एक और आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एंड मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई के इक्वल। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके देखिए जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उनको एक्सपेंड कर दीजिए। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको हम क्या करेंगे, अगर प्रूव करना चाहते हैं तो ब्रैकेट वाले जो पोर्शंस हैं उनको ओपन कर दीजिए, सिंपल सा होगा। तो ये देखिए हम क्या लेकर चलते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ओपन कीजिए। देखिए चलिए यहां कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब वाई को कर लेते हैं प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल, क्या बच गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड का प्रूफ हो गया। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है,
एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम ऑफ एक्स प्लस ए इंटू बी के इक्वल। तो इसको भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बस हमारे पास सेम वही। तो देखिए देखते हैं एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, सो एक्स को मल्टीप्लाई कर दी दोनों से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देन ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स प्लस ए बी, ये क्या हो गया। इन दोनों में देखिए लाइक टर्म है, दोनों में एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन ले लेते हैं बी प्लस ए, एक्स हमने यहां कॉमन ले लिया प्लस ए बी। अभी देखिए हम बी प्लस ए लिखें या ए प्लस बी भी लिखें, क्योंकि एडिशन पे कॉम्यूटेटिव लॉ लग सकता है। तो ये देखिए हमारे पास ये फोर्थ आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, देखिए हमने अब तक ये चार आइडेंटिटीज जो हैं वो एट्थ क्लास में पढ़ी थी, इनसे रिलेटेड काफी एक्सप्रेशंस को सोल्व भी किया था, इनकी हेल्प क्या ली थी हमने, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने में इनकी हेल्प ली थी, है ना। एक चीज ध्यान रखें कि ये जो ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जैसे ये हो गए राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड हो गई, इसमें भी ये राइट साइड हो गई, ये जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, और जो ब्रैकेट वाले पोर्शन होते हैं ब्रैकेट वाली साइड वो होती है हमारी फैक्टराइज्ड। ओके, तो ये फैक्टर हो गया, यानी कि इसका फैक्टर क्या होंगे x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इसके क्या फैक्टर हो गए ये दोनों, इसके क्या फैक्टर हो गए ये दोनों ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, सो अब नई आइडेंटिटीज इंक्लूड होनी स्टार्ट हो गई हैं, उनको देखिए। एक आइडेंटिटी यहां लिखता हूं मैं, फिफ्थ आइडेंटिटी। यहां फर्स्ट आइडेंटिटी में देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अब हम क्या करेंगे इसमें थर्ड वेरिएबल और इंक्लूड कर देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए हम ब्रैकेट पोर्शन लेकर चलते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्या करते हैं देखिए, किन्हीं दो वेरिएबल्स के एडिशन की जगह हम लेट कर लेते हैं, इनकी जगह कोई और वेरिएबल रख देते हैं समझने के लिए से। तो एक्स प्लस मान लीजिए इसके रिप्लेसमेंट में हम रख देते हैं ए, ओके, हमने वाई प्लस जेड की जगह क्या रख दिया ए लेट कर लिया फिलहाल के लिए। ओके, क्यों, ताकि ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाए, तो इसको फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करें तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स, ऐसे ही बनेगा। इसमें यही होता है कि फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर और प्लस टू टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही काम यहां किया। अब हम फिर से क्या करते हैं, इस ए के रिप्लेसमेंट में ए की जो ये वैल्यू थी वो वापस इसमें रख देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ ए, ए के रिप्लेसमेंट में वाई प्लस जेड, टू और एक्स सेम रहा मल्टीपल में। अब फिर से देखिए यहां पर फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है तो वो ओपन कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ओपन कर रहे हैं प्लस टू टाइम ऑफ वाई जेड। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए, देखिए टू एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड, ऐसा ही बनेगा। अब बस इनको जब अरेंज करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स टू जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आई कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में तीन वेरिएबल्स हों, तीन टर्म्स हों, ओके, तो उसको किस तरह से स्क्वेयर किया जाए। एक और अब थर्ड स्टार्ट, इसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए x प्लस वाई ही लेकर चलेंगे, अब दो आइडेंटिटीज आएंगी, लेकिन इस बार हमें स्क्वेयर नहीं इनका करना है, क्यूब। इसी तरह से हम x माइनस वाई का भी क्यूब करेंगे। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री टाइम ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन लेके फिर लिखा जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इन दोनों में देखिए एक तो थ्री कॉमन आ सकता है, एक एक्स कॉमन आ सकता है, एक वाई कॉमन आ सकता है, क्या बच गया इधर एक्स प्लस वाई बचता है। तो हम इन दोनों में से किसी भी रूप में
इसको ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड, हमें जिस चीज के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करें, देखिए फिर से वही आइडेंटिटीज ओपन करनी है हमें, बस और कुछ भी नहीं करना है। जैसे x प्लस वाई होल क्यूब है, यहां देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हमने क्या किया, पावर को सेपरेट कर दिया दो और एक पावर के साथ। अब यहां पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट सेम रखते हैं। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को इन दोनों से करते हैं, फिर टू एक्स वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर वाई स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अब इसके बारी टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर को करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। ओके सो अब ये देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं, एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ लग सकता है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई लाइक टर्म्स है, ये टू टाइम और ये सिंगल टाइम, टोटल कितने हो गए, थ्री एक्स स्क्वायर वाई। ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर, ये भी टू एंड वन, टोटल थ्री एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारी बन गई ना ये आइडेंटिटी, और इनमें से थ्री एक्स वाई कॉमन लें तो ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। अगर इसी आइडेंटिटी में हम y के रिप्लेसमेंट में माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, प्लस y के रिप्लेसमेंट में माइनस वाई, अगेन थ्री एक्स स्क्वायर, वाई के रिप्लेसमेंट में माइनस वाई, थ्री एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके सो ओपन कीजिए, देखिए एक्स क्यूब माइनस की पावर ओड माइनस वाई क्यूब, देखिए माइनस की पावर ओड यहां वन है वो बाहर आ सकता है, प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और यहां माइनस की पावर इवन है तो ये तो सिर्फ वाई स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि थ्री एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेगेटिव की आइडेंटिटी बन गई, क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए जहां पर y की ओड पावर है, यहां पर ओड पावर 3 है, यहां पर ओड पावर 1 है, वो पोर्शन जो है वो नेगेटिव हो गया, और जो इवन पावर है उसने क्या किया, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, तो इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, और यहां पर y है ही नहीं तो इस वजह से इसका भी साइन सेम रहा। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, आपको मेन ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। ओके इसमें भी आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इनको तो सेम रखें, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस थ्री एक्स और वाई कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लिया है तो साइन अपोजिट होंगे, माइनस था तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव है तो माइनस बन गया ये, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी आ गई। अब एक और आइडेंटिटी है, लास्ट एट आइडेंटिटीज है हमारे पास टोटल। ओके तो वो आइडेंटिटी क्या है उसको भी लेकर चलते हैं, देखिए इसको रफ कर देते हैं, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है, कि तीन नंबर्स का क्यूब का एडिशन और उसमें से तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट का थ्री टाइम। ओके तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये देखिए दूसरी ब्रैकेट कुछ कुछ हमारे पास ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन इसमें है हमारे पास टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स, लेकिन इसमें है माइनस एक्स वाई, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। So, इस चीज को भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन लेकर चलें और इनको ओपन कर दिया जाए, तो देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके पहले एक्स से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट में देखो 6 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, टोटल 18 टर्म्स हो जाएंगी, है ना। सो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर फिर एक्स जेड स्क्वेयर
माइनस एक्स स्क्वेर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वेर जेड। ओके, अब वाई से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, तो उस पोर्शन को यहां नीचे लिख लेते हैं, प्लस वाई क्यूब प्लस सॉरी एक्स वाला पोर्शन तो रह ही गया, क्या है एक्स स्क्वेर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वेर माइनस एक्स वाई स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेर जेड प्लस वाई स्क्वेर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वेर माइनस एक्स जेड स्क्वेर। अब आप नोटिस करेंगे, देखिए इसमें काफी पोर्शन यानी कि इन चार टर्म्स को छोड़कर बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। स्टार्टिंग से देखिए एक्स वाई स्क्वेर कहां है एक्स वाई स्क्वेर, ये देखिए यहां ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, एक्स जेड स्क्वेर ये देखिए लास्ट में है, एक्स जेड स्क्वेर से एक्स जेड स्क्वेर कैंसिल, एक्स स्क्वेर वाई एक्स ये रहा एक्स स्क्वेर वाई देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स स्क्वेर जेड ये रहा एक्स स्क्वेर जेड पॉजिटिव और नेगेटिव, वाई स्क्वेर जेड ये रहा देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, हमारे पास वाई जेड स्क्वेर ये रहे दोनों ये कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देखिए माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड लाइक टर्म्स है, टोटल कितने बने माइनस का थ्री एक्स वाई जेड, तो ये देखिए ये हमारी वो रिक्वायर्ड लास्ट आइडेंटिटी हो गई। ओके, एक्चुअल में हमें बेसिकली ये आठ आइडेंटिटीज दी गई हैं, लेकिन हम दो और आइडेंटिटीज लेकर चलते हैं जो हम कंप्लीटली पूरे मैथ्स में यूज करते हैं, हालांकि वो दोनों आइडेंटिटी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमें एक्सरसाइज में दी गई हैं क्वेश्चन के रूप में, तो वो आइडेंटिटीज क्या हैं कहां से आई है उसको देखते हैं, वो दो आइडेंटिटी और कवर करते हैं बस लास्ट इसमें। देखिए उसके लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं इसको, और इस आइडेंटिटी में हम यूज करेंगे ये वाली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है सॉरी यहां पर क्यूब आएगा ये ठीक कर लेना क्यूब है क्योंकि इसमें भी क्यूब है, तो देखिए एक्स प्लस वाई होल क्यूब इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ओके, यहां से इस रिप्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं, सो इधर से हम क्या करने वाले हैं ये वाले जो कंप्लीट टर्म है इसको उधर कर इधर लेके आ रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल, तो यहां देखिए इस टर्म में एक्स प्लस वाई की पावर तीन है और यहां एक्स प्लस वाई की पावर वन है, तो सिंगल टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई जो है हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या बचेगा इधर यहां बचेगा एक्स प्लस वाई की पावर दो और यहां बच जाएगा माइनस का थ्री टाइम ऑफ एक्स वाई, राइट साइड सेम चलती रहेगी। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम कंटिन्यू रखते हैं, इसको ओपन कीजिए, ये देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बना एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर प्लस टू एक्स वाई, जबकि ऑलरेडी माइनस का थ्री एक्स वाई हमारे पास है, फिर से राइट साइड सेम चलते, तो इधर देखिए इसमें ये वाली ब्रैकेट फिर से हम सेम रखते हैं, यहां हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर प्लस टू एक्स वाई और माइनस का थ्री एक्स वाई, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एक्स वाई बना, फिर से हमारे पास राइट साइड सेम क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही है, तो यही वो नेक्स्ट आइडेंटिटी है जो हमें ध्यान रखनी है, क्या कि अगर दो नंबर्स के क्यूब का सम फाइंड आउट करना है तो उसको हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इसको भी एज ए आइडेंटिटी के रूप में आप ध्यान रखें, ये एक नाइन्थ आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, हालांकि ये एक्सरसाइज में है हमें प्रूव करना आएगा, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे इस लेफ्ट साइड को ओपन कर सकते हैं और ओपन करके सब कुछ कैंसिल हो गया हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, जहां वाई है उसकी जगह माइनस वाई रख दीजिए, तो देखिए पावर ओड है, ओड होने की वजह से यहां क्या आ गया नेगेटिव, ऐसा ही फर्क यहां पड़ेगा, यहां क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई
और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस के बजाय हो जाएगा प्लस एक्स वाई, क्योंकि देखिए वाई की पावर यहाँ ओड है तो इसका भी साइन चेंज हो गया, यहाँ इवन पावर थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी ओड पावर है तो भी साइन चेंज हो गया। तो ये एक तरह से हमारे पास 10th आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, ये डायरेक्टली यूज अभी नहीं होगी, लेकिन आगे के किसी चैप्टर में या आगे हायर मैथमेटिक्स में हमारे पास हमेशा ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। ओके, सो ये थे सिंपल से आइडेंटिटीज और उनके प्रूफ।